गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल रोहन ब्लॉग्स। सो टुडे वी हैव दिस अमेजिंग बीस्ट 125 पल्सर और इसमें से अब एक स्पार्क प्लग रिमूव हो गया तो ये अभी DTSI नहीं रही है, ये अब अभी नॉर्मल पल्सर हो गई है, पल्सर बजाज पल्सर नो DTSI। सो अभी नो DTSI हो गई है तो अब इसके अंदर क्या डिफरेंस आया है DTSI हटने के बाद वो आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो तो ऑलरेडी मैंने आपको रिव्यू वीडियो ऑलरेडी दे दिया है इस बाइक का, तो बार बार रिव्यू वीडियो की उम्मीद मत करना। बट ये E20 कंप्लायंट है, बिल्कुल लेटेस्ट है, नए वाले एलॉयज़ हैं, सो बाइक का थोड़ा सा वेट भी कम हुआ है, एलॉयज़ वगैरह चेंज हुए तो, और एक DT इसमें से एक स्पार्क प्लग रिमूव हो गया। तो भाई परफॉर्मेंस कैसी है, बात परफॉर्मेंस की आती है क्योंकि पल्सर का मतलब परफॉर्मेंस, लोग पल्सर लेते किस लिए, परफॉर्मेंस के लिए, चाहे वो 125 हो, अभी 100cc में भी आ जाएगी ना, लोग तो भी सोचेंगे यार पल्सर है परफॉर्मेंस तो होगी, तो परफॉर्मेंस चेक करेंगे। और उससे पहले ऑल थैंक्स टू द अंबा बजाज BTM। सो BTM में अंबा बजाज पे हम हैं तो जल्दी से लेके चलते हैं, इसको चलाते हैं, देखते हैं कि क्या मज़ा आता है इसके चलाने में। सो भाई बिल्कुल नई बाइक है, क्लच वगैरह तो बहुत ही स्मूथ सा फील हो रहा है, नया मीटर है इसका तो इसमें आपको बिल्कुल न्यू मीटर है, बैटरी इसकी लो है तो किक मार के स्टार्ट होगी। देखो ये फ़ायदा होता है किक होने का, अब इसकी बैटरी लो है, हमने किक मारी बाइक स्टार्ट, देख रहे सिंगल किक स्टार्ट है भाई। और फीचर बता दूँ यहाँ पे तो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ठीक है, और ये देख लो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ये सारे फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये अच्छा करा बजाज ने, ये फीचर यहाँ पे दे दिया, लेके चलते हैं इसको। तो भाई मीटर भी कनेक्टेड है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हमें जल्दी से मिलती नहीं मीटर कनेक्टेड वाली बाइक। तो चलो भाई मारते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव। ओ भाई क्या सही चल रही है, काफ़ी स्मूथ चल रही है। अरे ये ना 4000 RPM से ऊपर ही रह रही है, और 4000 RPM से ऊपर भी ना अच्छा वो दे रही है मेरे को पुश, और मेरी बाइक 4000 RPM से ऊपर जाती है तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू आता है, क्योंकि मेरे पास भी ऑलरेडी है तो मेरी वो वाली है अपनी BA6 है, बट पुराना वेरियंट है इसमें कार्बोरेटेड वाला, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर वाला, सो उधर एक थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी यार अच्छी चल रही है, यार चलने में तो कोई भी कमी नहीं है बाइक में, और कोई वाइब्रेशन नहीं है, अच्छी खासी हिट कर रही है, देख लो कितना अच्छा RPM जा रहा है। तो यहाँ पे ये RPM बहुत अच्छा प्ले कर रहा है अपना रोल, अच्छी काफ़ी बाइक स्मूथ है, पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, सो स्मूथनेस में कोई भी कमी नहीं है। इधर निकालते हैं जगह, हम दिल्ली वाले हैं ना, हम जहाँ जगह देखते हैं वहाँ से बाइक निकालने लग जाते हैं अपनी, तो हमारी आदत है, हम आदत से मजबूर हैं, हम क्या करें, हम तो दिल तोड़ने के लिए मशहूर हैं। वाह क्या गंदी शायरी मैंने मारी, वाह। तो यार बाइक की बात करते हैं, ऐसी गंदी गंदी शायरी है तो मारते रहता हूँ। बैकलिट स्विचेज मिल रहे हैं, क्लिप और हैंडल बार मिल रहा है, बढ़िया स्पोर्टी फील मिल रही है। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो ना, मैंने सुपर स्प्लेंडर के ऊपर लास्ट वीडियो डाली थी, वहाँ पे ना स्पोर्टी फील की मिसिंग थी, पावर अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बट स्पोर्टी जो फील होती है ना एक, वो एक मिसिंग थी, और यहाँ पे वो स्पोर्टी फील पूरी पूरी है क्योंकि क्लिप और हैंडल बार है, अच्छा खासा बंदा वाइड बैठा है, थोड़ा सा फ्रंट लीन भी हूँ मैं, इसको बंद नहीं कर सकते क्योंकि मैंने बंद करी ना ये, तो ये यहाँ पे बेइज्जती करा देगी जब मैं किक मारूँगा, तो इसको बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल डार्क ब्लैक जो होता है ना वो है ये, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोगों को पसंद आएगा ये कलर डार्क ब्लैक, क्योंकि लड़कों की जो चॉइस ही पहली चॉइस ही होता है भाई डार्क ब्लैक चाहिए, डार्क ब्लैक, काला कलर तो लड़कों की पहली चॉइस है आजकल, तो लड़कियों की भी हो गई है, लड़कियाँ पिंक शर्ट के ब्लैक पसंद करने लग गई हैं। आई ना अच्छी कर दी, मतलब पहले से बजाज ने ना, मुझे लग रहा है इसमें चेंजेस तो है इंजन के अंदर, ठीक है, क्योंकि यार ना 4000 RPM जैसे मेरी बाइक जाती है 4000 RPM पे, तो वहाँ पे ना वो थक जाती है, तो 4000 RPM से ऊपर देखो अच्छी खासी पुश ले रही है, 4000 RPM के ऊपर ही ले रही है पावर, 4000 RPM से नीचे पावर नहीं ले रही, तो हो सकता है वो DTS है, ये डुअल स्पार्क है तो वो 4000 RPM तक उतनी पावर दे देती है, ये उसके आगे दे रही है, तो ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंस लग रहा है। बाकी जो मैंने देखा ना टॉप एंड में, मैंने कुछ वीडियोस देखी थी कि टॉप एंड वाली पुरानी वाली नई वाली की, अगर आपने नहीं देखी तो यूट्यूब पर सर्च करोगे तो मिल जाएंगी आपको वीडियोस, तो वहाँ पे जो मैंने वीडियोस देखी है ना वहाँ पे मुझे बहुत कुछ डिफरेंस नहीं दिखा, ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि ये थोड़ा लाइट वेट है तो हो सकता है इसकी ही थोड़ी सी आपको टॉप एंड भी अच्छा मिले, और इसकी जो माइलेज है ना, माइलेज में ये बाइक थोड़ा बेटर हो, 60 तक की माइलेज शो कर रही है भाई ये तो, वाह इतनी अच्छी चलाता हूँ मैं बाइक, मानना पड़ेगा यार, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं इतनी चला रहा हूँ बाइक, भाई 60 की माइलेज शो कर रही है, देखो ये अच्छी खासियत है, यहाँ पे बंदा ना अपनी माइलेज ऑन को इम्प्रूव कर सकता है अपने यहाँ से वो देख के, समझ रहे हो, अरे बंद हो गई, ओ सेल्फ स्टार्ट हो गई भाई, हो गई बैटरी चार्ज हो गई, वाह
बैटरी, वाह वेरी गुड। देख रहे हो भाई, मतलब ये जो अपडेट दिया ना ये वाला मीटर वाला, और इसमें फ्यूल इंजेक्टर आ गया, सबसे बड़ी बात फ्यूल इंजेक्टर। तो फ्यूल इंजेक्टर के साथ आपको किक भी मिल रही है, वाह ये अच्छी बात है, गुड वेरी गुड। बट भाई फ्यूल इंजेक्टर का मतलब ये नहीं कि आपकी बैटरी ख़राब हो जाए तो आप लगे रहो, उससे फ्यूल इंजेक्टर ख़राब होने के चांसेस होते हैं, तो कोशिश ये करना कि आपकी बाइक की बैटरी ना ही ख़राब हो। फुल की लाइट, यहाँ से लिया हमने यू टर्न, अब इसको थोड़ा सा खींचते हैं, देखते हैं कैसे भागती है। भाग तो अच्छा रही है यार, ब्रेकिंग में थोड़ा सा मेरे को लगता है और इसमें काम होना चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ से अंदर लेके चलते हैं और थोड़ा सा घुमा के लाते हैं बाइक को। ओके, हमने चला के तो देखी नहीं, बस रेड लाइट ही मिलती रहती है। भाई देखो बाइक चलने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी खासी चल रही है। अब देखो मैं थर्ड गियर पर आ गया, इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है तो वो एक थोड़ी सी दिक्कत है, अच्छी खासी चल रही है, देख रहे हो बढ़िया चल रही है भाई। मतलब ऐसा आपको फील नहीं होगा कि भाई ये 125cc की बाइक है, आपको लगेगा भाई पल्सर ना 150 ही चला रहा हूँ मैं, क्योंकि बाइक के परफॉर्मेंस कुछ उस तरीके सेट करी है बजाज ने, इसकी ट्यूनिंग में काफ़ी फ़र्क कर दिया है पहले से। अगर आप ट्यूनिंग देखोगे तो ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी कर दी है पहले से, और बाइक चल भी अच्छी रही है, देख रहे हो कितना क्या बढ़िया एग्जॉस्ट नोट आ रहा है यार, फुल बेस एग्जॉस्ट नोट दे रही है बाइक, फुल बेस वाला एग्जॉस्ट नोट दे रही है। बट वही है थोड़ा सा बाइक का वेट जो है ना वो थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा है, अगर 125cc के अकॉर्डिंगली देखें उधर थोड़ा सा कम होना चाहिए था, तो अभी लगा देते हैं इसको यहीं पे वापस ताकि बाइक अंदर चली जाए। सो भाई बाइक तो मेरे को बहुत बढ़िया लगी चलाने में, अगर आपको भी बाइक करनी है तो आप बाइक कर सकते हो अम्बा बजाज से, और उसमें आगे हेलोजन सेटअप आ रहा है, पीछे अपनी LED टेल लाइट्स आती हैं वही बजाज वाली पल्सर्स वाली। तो बाइक बहुत बढ़िया है, बाइक में कोई कमी नहीं है, आप बाइक कर सकते हो, फुल ब्लैक बाइक है एकदम, जिसको ब्लैक कलर पसंद है भाई वो बाइक कर सकता है, इसको फुली ब्लैक है, थोड़े बहुत स्टिकर है वो भी निकाल दोगे तो निकल जाएंगे तो पूरी ही ब्लैक हो जाएगी। तो बाइक बहुत बढ़िया है, बिल्कुल एकदम बढ़िया मस्त बाइक है, टायर साइज़ भी अच्छे खासे दे रखे हैं इसके अंदर। अगर आपको बाइक करनी है तो आप आ जाना अम्बा बजाज बैंगलोर, अब अवेलेबल है 3 शोरूम में, BTM में है, GB पाले में है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, तीनों शोरूम में बाइक अवेलेबल है, जल्दी से जाकर डील को फाइनलाइज कर लो। बाकी मिलते हैं आपसे एक और अच्छी वीडियो में, जब तक लिए प्यार दिखाओ, चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो करो शेयर, और मिलते हैं आपसे एक और अच्छी वीडियो में, जब तक टिल देन सी यू, ओके बाय।